खेल खत्म के बाद 29 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद 15 प्रभाव बताइए मुकाबला पहले टॉस में जीत हासिल करने के बाद टीम थर्ड विकेट की कप्तान ने दिल्ली का फैसला किया है और दूसरे वाले टीम दूसरी तरफ से आमंत्रित होते हुए अभी 3 विकेट का नुकसान हो चुका है कुल 29 रन 6 ओवर का खेल भी खत्म और आने वाले 9 ओवर का खेल खेलते खेलते ये खिलाड़ी के लिए जिम्मेदार रहेगा कि तेजी रफ्तार के साथ कैसे रन गति को बढ़ाना होगा नहीं तो दूसरे वाले टीम के लिए आप 100 से अंदर टारगेट देंगे तो बाद में परेशान आपको ही होगा और 15-15 ओवर का खेल कल सप्ताह प्रसिद्ध इसी मैदान में एक मैच उपतिहा वर्सेस फटाफट के बीच में 182 बनाए थे उपतिहा बल्कि 183 का टारगेट था और आसान सा जीत मिल गया इसी मैदान में और ये बिल्कुल बैटिंग पिच अयोध्या पहली गेंद के बाद अपने बॉलिंग मार्क पर अंपायर हृदयानंद के लिए जानकारी अपने बॉलिंग स्टाइल के बारे में राइट हैंड ओवर दो के सामने है बैट्समैन टीटी के लिए गेंद दिल्ली एक्सप्रेस तूफानी जैसे गेंदबाजी करने के लिए मुश्किल होगा बल्लेबाज को और ये डॉट डिलीवरी के साथ इसी ओवर का खेल का शुरुआत प्रभात की द्वारा कंटिन्यू बहुत सामने है टैलेंटेड बल्लेबाज पिंटू जाते ही ये गेंद फरमान बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को रुकते रुकते एक रन और इस एक रन के साथ 30-3 के नुकसान के बाद टीम गावर से गेंदबाजी करते इस्तेमाल किए थे लेकिन सुखजीत के साथ गेंदबाजी और मुश्किल का काम बल्लेबाज के लिए उत्कल के लिए गेंद लंबी बॉलिंग मार पर प्रभात सीधे खेलिए और मौका लगा का खिलाड़ी के लिए बाउंड्री लाइन सीमा पार करने से पहले गेंद को रोका और एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा इसी एक रन के साथ 31-3 के नुकसान का सेकंड लास्ट डिलीवरी ऑफ दिस ओवर शानदार शॉट चौथे दिशा में खिलाड़ी की तरह मिसफील्डिंग लेकिन एक रन बनाने से करीब नहीं रुक पाएंगे इनको आप पर इसी एक रन के साथ स्कोर हो गया 32 पर लगभग 3 मोर विकेट पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम दूसरी पास आमंत्रित हुई है बल्लेबाजी करने के लिए दूसरे वाले टीम का कप्तान 30 ने टॉस में जीत हासिल की है खिलाड़ी और क्लीन बोल हो गए विकेट नंबर 4 को 32 रॉयल डीजे